नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ एस्थर कुमारी। खलारी से मनोज प्रसाद की रिपोर्ट। चूरी के रैयतों ने चूरी परियोजना का कार्य कराया ठप। चूरी के रैयतों एवं उन्हें समर्थन दे रहे बिहार कोलियरी कामगार यूनियन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के द्वारा बुधवार की सुबह से एनके क्षेत्र की चूरी परियोजना का काम पूरी तरह से ठप करा दिया है। मालूम हो कि चूरी के रैयतों ने नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर लगातार 6 दिनों तक चूरी परियोजना परिसर में धरना दिया था, लेकिन CCL प्रबंधन के द्वारा किसी भी तरह की कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने के बाद बुधवार से रैयतों ने यूनियन और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर चूरी परियोजना का काम बंद करा दिया है। चूरी के रैयतों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, चूरी परियोजना का काम बंद रहेगा। धरना स्थल पर रैयतों के साथ बिहार कोलियरी यूनियन के जोनल अध्यक्ष रतिया गंजू, संगठन सचिव इरफान खान, एरिया सचिव दिनेश भर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता एक्का, RPI अंबेडकर के खलारी प्रखंड अध्यक्ष मुकेश कुमार ऋषि, विजय मुंडा आदि जटे हुए हैं। चूरी परियोजना में जो बंदी का आह्वान किए हैं, इसमें चूरी के रैयतों को 48 एकड़ के एवज में आज तक मानी 36 साल बीत गई है, लेकिन CCL खाली ठगने काम कर रही है कि नौकरी आप देंगे, लेकिन 36 साल बीत गया अभी भी लोग का नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसी चलते यहाँ के लोगों को, यूनियन के, रैयत को, सबके मिल के हम लोग आज बंद के अरे घोषणा किए हैं, और जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तब तक हम लोग बंद रखेंगे। आज चूरी परियोजना को बंद करने का ऐलान 6 दिवसीय धरना में ही किया गया था। प्रबंधन अगर इस धरना प्रदर्शन में सकारात्मक पहल करते तो आज ये बंदी का नौबत नहीं आता, और अभी भी अगर इस बंदी में CCL प्रबंधन अगर सकारात्मक पहल नहीं करते हैं तो ये अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगा, और जब तक यहाँ के रैयतों को नौकरी और मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक ये अनिश्चितकालीन के लिए। चूरी का रैयत है और हम लोगों का जमीन 1985 में अधिग्रहण किया गया है और 2007 में मुआवजा पेमेंट भी दिया गया है, जो कि आज तक हम लोग को प्रबंधन के द्वारा फॉर्म भरवाने का काम किया गया है, और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि कभी कि 2 महीना में हो जाएगा, 6 महीना में हो जाएगा या फिर 15 दिन में हो जाएगा, ऐसा आश्वासन हम लोग को मिलते आ रहा है। इसी आश्वासन पे हम लोग अब आश्वासन से तंग हो गए हैं, इसके लिए आज हम लोग फिर बंदी में धरना के बाद हम लोग बंदी में बैठ गए। Watching our voice news for daily news updates and do follow, like and share this video. Thank you.